मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को लेकर दिए बयान के बाद आज फतेहाबाद में भजन लाल के भतीजे और पूर्व CPS दूराराम आए सामने। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री पर जमकर निकाली भड़ास, कहा बुखलाहट में उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। दूराराम ने कहा कुलदीप बिश्नोई के चलते ही बीजेपी सत्ता में आई है। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी हज का गठबंधन के दौरान सड़कों पर घूमकर जन समर्थन जुटाया था और उस समय हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम तक कोई नहीं जानता था। इस दौरान दूराराम ने मनोहर लाल खट्टर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन लोगों का परिवार नहीं है वो लोग आज परिवार की बात कर रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को ऐसी बात कहने का शोभा नहीं देती। कुलदीप जी के बारे में ये कहे, एक अनुभवी नेता है, दो बार लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट बने, 3 बार MLA बने और खट्टर साहब तो पहली बार MLA बने हैं। मुख्यमंत्री भी कुलदीप जी के वजह से बने। जो भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता आए, जब गठबंधन था कुलदीप जी का और भारतीय जनता पार्टी का, छोटे से लेके मोदी जी तक कुलदीप जी को हर स्टेज पर ही कह के गए कि जब ही सरकार आएगी 2.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुलदीप जी रहेंगे। और खट्टर साहब ये कहते हैं अनुभवी नेता है। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सीएम साहब की आदमी झूठ तो इतनी झूठ बोले, मुख्यमंत्री जी को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। कब समझौता हुआ था? चौधरी भजनलाल जी के देहांत के बाद ये समझौता हुआ और चौधरी भजनलाल जी कभी नहीं चाहते थे, हमें पता, चौधरी भजनलाल जी कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता हो और हमेशा ये कहा करते हैं हमें कि ये धोखाबाज पार्टी है। तो ये सिर्फ इतना आदमपुर में आके लोगों को गुमराह करने की बात है। चौधरी भजनलाल जी ने बार बार ये कहा करते कि हमेशा इन्होंने धोखा दिया, चाहे हरियाणा में बंसीलाल हो, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला, सबको इन्होंने धोखा दिया है। ये पार्टी हमेशा धोखाबाज पार्टी रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भाई कुलदीप जी की वजह से आई है। इन्हें कभी भी 4 और 6 सीट से ऊपर सीटें नहीं आई थी। भाई कुलदीप जी समझौते के बाद सारे हरियाणा में 6 महीने सड़कों पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कहाँ थे, खट्टर साहब जब कहाँ थे, हरियाणा में खट्टर साहब का कोई नाम था उस टाइम? सब भी भाई कुलदीप जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें आई। पता चल जाएगा जब इलेक्शन आएगा कि क्या पोषण भारतीय जनता पार्टी की है। खट्टर साहब तो अपना नया हलका तलाश करने में घूम रहे हैं। जिस तरह मुख्यमंत्री जी कभी भी फतेहाबाद में आए हैं, पहले भी आए, क्या देखे गए? पहले उन्होंने दरबार लगाया, कुछ नहीं देखे। अब आए सिर्फ 10-15 मिनट, वहाँ गाना बजाना सुन के चले गए। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, ऐसे मुख्यमंत्री कभी हरियाणा में, फतेहाबाद की बात लीजिए, आदमपुर की बात लीजिए, कभी भी ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा को नहीं मिलेगा, ना मिला है। और बात मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो कुलदीप जी के बारे में कहा है ये अच्छी बात नहीं कही। कुलदीप जी, इनको आज कुलदीप जी से खतरा है। आदमपुर में आके इस तरह की टिप्पणी करना, इनको एक ही सोच है कि पहले कुलदीप जी ने तुम्हें सत्ता में लाए और आज कुलदीप जी ही तुम्हें इस कुर्सी से उठाएंगे। हमेशा बताना चाहता हूँ, इंदिरा जी का, राजीव जी का हमेशा शोक चौधरी भजनलाल जी को पूरा रहा और आगे अब राहुल जी का पूरा शोक कुलदीप जी को रहेगा और कुलदीप जी हरियाणा की प्रदेश के लोगों की सेवा करेंगे। इनको इस बात का पता है। जब इस तरह की छोटी छोटी बात, गलत बात आके आदम परमेश्वर गलत बात करते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। निजी तौर पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। एक मुख्यमंत्री की ओहदा बहुत बड़ा ओहदा होता है, जुम्मेवारी से बयान देना चाहिए उनको। राजनीति बात हो तो उनको राजनीति बात करनी चाहिए, लेकिन निजी किसी बारे में ऐसी बात कहे, ये बेटा ठीक नहीं है, अच्छा है, खट्टर साहब को क्या पता परिवार क्या होता है? इसका परिवार नहीं है, उसको कोई पता नहीं होता, पर अच्छा क्या होता है, गलत क्या होता है। खट्टर साहब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।